नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए गृहप्रमण में बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट थर्ड लेकर के आई हूँ, जिसमें जो भी आपके बच्चे रह गए थे वो आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें आज आपके सामने चर्चा होगी वुड एंड टिम्बर्स की, फाइबर्स, प्लास्टिक, ग्लास और व्हाइट वॉश, डिस्टेम्पर, इन सब पे चर्चा होगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम कैटेगराइज करेंगे कौन कौन से जो मटेरियल्स होते हैं वो मैनमेड हैं और कौन से नेचुरल फाइबर्स हैं, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन आ भी चुके हैं एग्जाम में, तो यहाँ से आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कौन से मैनमेड हैं और कौन से आर्टिफिशियल हैं। तो देखते हैं, ये हमारा है वुड और टिम्बर, यानी इसको लकड़ी या वुड या टिम्बर भी के नाम से भी जानते हैं। और ये हम मुख्य रूप से जो लकड़ियाँ होती हैं ये हमारे बहुत ही यूजफुल होती हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए, शेप देने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और विभिन्न जगहों पर मोल्ड करने के लिए जहाँ पर करते हैं तो लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, खिड़की के रूप में, दरवाजों के रूप में और अन्य चीज़ों में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारी जो लकड़ियाँ होती हैं, अब देखते हैं जो लकड़ियाँ प्रयोग करते हैं वो कौन कौन सी लकड़ियाँ हैं जो बिल्डिंग मटेरियल्स में ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमारे शीशम की लकड़ियाँ, देवदार, टी, सागौन, बांस, ये हमारे मुख्य रूप से लकड़ियाँ हैं जिनका प्रयोग बिल्डिंग मटेरियल्स में करते हैं। अब देखते हैं इसमें हमारी जो इमारती जो जो लकड़ियाँ होती हैं उनके क्या गुण होते हैं जिनकी वजह से इनका उपयोग करते हैं। तो ये हार्डनेस के लिए, यानी काफ़ी कठोर होती हैं, ड्यूरेबिलिटी होती है इनकी और सरफेस यानी सतह पर एक तरीके से आकार प्रदान कर लेती हैं, और ये एक तरीके से कह सकते हैं एक तरीके से ये आकार प्रदान करने के साथ साथ एक फिक्स हो जाती हैं और एक सही आकार में आ जाती हैं सरफेस पर, तो इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हार्डनेस के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए और सरफेस पर यूज करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। अब देखिए इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, विंडो बनाने के लिए, डोर बनाने के लिए, सीलिंग के लिए और रूफिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं जो फाइबर्स होते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कि कौन कौन सी लकड़ियाँ हैं जिनका उपयोग करते हैं। तो याद रखना शीशम, देवदार, टीक, सागौन, बांस, ये हमारे मुख्य रूप से वुड्स होते हैं। अब आते हैं फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, जो रेशे होते हैं जो लकड़ियों के रेशों से प्राप्त करते हैं इनका भी प्रयोग किया जाता है। जिसे हमारा कोकोनट हस्क यानी जो गरी के जो हस्क होते हैं उसके छिलके होते हैं, जूट के फाइबर्स होते हैं, बनाना की पत्तियां होती हैं, तो इनसे जो होता है फाइबर्स प्राप्त करते हैं। जैसे क्वायर जो है फाइबर्स, सीसल फाइबर्स, बम्बू फाइबर्स, इनका प्रयोग जो है बिल्डिंग में बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कभी कभी देखिए इनकी जो पत्तियां होती हैं जो कच्चे घर को बनाने के लिए, उनको जिस तरह छप्पर हम लोग छाते हैं तो छप्पर को बनाने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स। अब देखिए प्लास्टिक्स जो है ज़्यादातर इनका भी उपयोग किया जाता है, ये सुंदर भी लगते हैं, आकर्षक भी लगते हैं और बहुत ही आसानी से सेट भी हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारे बिल्डिंग में स्विच बोर्ड बनाने के लिए, टैप यानी टोटी बनाने के लिए, डोमेस्टिक फर्नीचर बनाने के लिए ज़्यादातर प्लास्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कांच। कांच क्या होता है, ये भी एक तरीके से बहुत ही सुंदरपन और आकर्षक बनाने के लिए ग्लास का प्रयोग किया जाता है और ये पारदर्शी होते हैं, साउंड प्रूफ पार्टिकल्स होते हैं। याद रखना जो ग्लास होता है वो साउंड प्रूफ पार्टिकल्स होता है और ये हवा, धूप, पानी से बचाता है, यानी इस पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ग्लास क्या होता है, साउंड प्रूफ होता है, हवा, धूप और पानी पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, कहने का मतलब है इन पर इसका असर नहीं पड़ता है। तो ये हो गया हमारा कांच, प्लास्टिक, फाइबर्स। अब आते हैं वाइट वॉश, यानी बिल्डिंग बन जाने के बाद उसको पेंट करना भी जरूरी होता है, तभी उसकी डेकोरेशन बढ़ती है, तभी उसकी सुंदरता बढ़ती है। तो इसके लिए कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है पेंट करने के लिए, जैसे व्हाइट वॉश, डिस्टेम्पर पेंट्स में हमारे लाइम यानी चूना आते हैं, डिस्टेम्पर, आयल पेंट्स, इनेमल और वर्निशेस, ये होते हैं जो घर को पेंट करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखिए जो लाइम यानी चूना जानते ही आप लोग, और उसके बाद डिस्टेम्पर में क्या होता है,
एक डिस्टेम्पर का उपयोग किया जाता है। डिस्टेम्पर करता क्या है, ये हमारे इसमें गोद यानी गोद जो होता है मतलब कि एक तरीके से चिपकने का कार्य करता है, रंजक यानी रंग प्रदान करने का काम करता है, और तरला का मतलब हर जगह सेट हो जाना यानी जिसमें मिलाते हैं उसे मिल जाता है। तो कहने का मतलब डिस्टेम्पर गोद रंजक और तरलक से मिलाकर बनता है डिस्टेम्पर, जिनका उपयोग घर को पेंट करने के लिए किया जाता है। अब ऑयल पेंट्स आता है, इनसे कभी जो है पेंट में उपयोग करते हैं, और इनेमल होता है, ये काफी टिकाऊ होता है और महंगा होता है, और इनका उपयोग बहुत ही कम यानी उच्च वर्ग लोग ज्यादा ही करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा मतलब कि एक्सपेंसिव होता है। अब आता है हमारा वर्निशेस। वर्निशेस क्या होता है, ये पेंट में मिलाकर जो है इसको जो है उपयोग किया जाता है, और ये चमक प्रदान करने का काम हमारा वर्निशेस करते हैं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह दे दिया, जब वहां पे यहाँ क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इसमें से कौन सा व्हाइट वॉश डिस्टेम्पर है या कौन सा व्हाइट वॉश डिस्टेम्पर नहीं है। तो यह चीज आप इस तरह से, इसमें से यदि आपने इस पॉइंट पढ़ा होगा तो आप आसानी से मैच करा सकते हो, आसानी से उसमें ढूंढ सकते हो। तो ये हो गया हमारा टॉपिक जिसमें हमने आपको बिल्डिंग मटेरियल संबंधित पूरा चीजों को एक एक करके डिटेल किया। अब यहाँ पर हमने, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आए हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स कौन से हमारे मैनमेड होते हैं और कौन से हमारे आर्टिफिशियल सॉरी हमारे कौन से नेचुरल होते हैं, जो हमें नेचुरल के रूप में प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, और कौन से आर्टिफिशियल यानी मानव के द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए, नेचुरल में हमारे मड यानी मिट्टी या क्ले आता है, स्टोन यानी पत्थर, सैंड, वुड, लाइम, फाइबर्स, ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, और ये बहुत ही ड्यूरेबल भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, और हर जगह ये उपलब्ध यानी अवेलेबिलिटी इनकी भी ज़्यादा होती है। ये हमारे क्या होते हैं, ये नेचुरल मटेरियल्स होते हैं। अब देखिए मैनमेड, मैनमेड क्या होते हैं, ये ह्यूमन के द्वारा यानी मानव उस पर क्रिया करता है, प्रोसेसिंग करके उसको नए रूप में उसको लाता है, नए रूप उसको प्रदान करता है, यानी कुछ इन चीज़ों से मिला करके ये बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब जो ह्यूमन उसे प्रोसेसिंग करता है और नए रूप में चीज़ों को प्राप्त करता है वो क्या होता है, मैनमेड या आर्टिफिशियल होता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा सीमेंट आते हैं, ग्लास, ब्रिक्स, टाइल्स, प्लास्टिक्स और मेटल्स, ये क्या है, ये हमारे मैनमेड फाइबर सॉरी मैनमेड मटेरियल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी सबसे ज्यादा गुड सेंसिटिविटी होती है, याद रखना इसकी क्वालिटी भी गुड सेंसिटिविटी होती है, ड्यूरेबिलिटी इनकी होती है, और इनके स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है, और इनसे ज्यादा ये एक्सपेंसिव यानी महंगे होते हैं। तो ये आप इन दोनों में अंतर याद कर लीजिएगा, ये हमारे क्या है, नेचुरल है, और ये हमारे क्या है, आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है, और भी इसमें आपको गृह प्रबंध में आपको कोई टॉपिक रहे हो तो हमें आप कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं अपने अनुसार जो टॉपिक हमें लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको मैं लेकर के आऊँगी। आपके जो है आप इसमें बता सकते हो कि मैं इसमें और भी गृह प्रबंध में क्या टॉपिक ला सकती हूँ जो आपके लिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। तो ये हमारी वीडियो है जिसमें हमने पूरा बिल्डिंग मटेरियल संबंधित टॉपिक को कवर किया, और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अपने दोस्तों के बीच में लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि मेरी पूरी पहली वीडियो आप देख रहे हो तो इसे ही आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित ही इससे आपको मदद मिल जाएगी, और यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।